हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन है, प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। एक फटाफट एक छोटे से वीडियो में आपको एक बड़ी जानकारी है यस बैंक के बारे में। आज का जो पूरा हॉट स्टॉक यही है कि आज सभी का जो चर्चा का विषय है कि यस बैंक कितनी बुरी तरह टूट गया। तो आइए पहले हम जान लेते हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स जो लोग नए हैं इनको शायद किसी वजह से इस बात की इन्फॉर्मेशन ना हो, तो मैं फटाफट बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं इनकी जो है क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं और क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में क्या हुआ है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और मैं फिर भी थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जहाँ जून 18 में नेट इंटरेस्ट अर्निंग थी इस कंपनी की यस बैंक की 6578 की, वहीं सितंबर 18 में 7231 करोड़ की हो गई और दिसंबर 18 में 7958 की और मार्च 19 में 7856 करोड़ की थोड़ी सी गिरावट है। लेकिन नेट प्रॉफिट में जहां जून 18 में 1260 करोड़ की थी, वहीं सितंबर 18 में 964 करोड़ की हो गई और दिसंबर 18 में 1001 करोड़ की, लेकिन मार्च 19 में जो अभी रिसेंटली क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसमें 1506 करोड़ के सीधे नेगेटिव का लॉस, सीधे नेगेटिव नेट प्रॉफिट में। तो इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गिरावट आई और वो बात सच साबित हुई। और ये देखिए वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, वर्तमान समय 170 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले फ्राइडे को ये ट्रेड कर रहा था 233 के आसपास क्लोजिंग था अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आज जो ये 66 रुपये करीब टूट चुका है और करीब 28%। देखिए मार्केट कैप अभी 54,936 करोड़ की है, टोटल वॉल्यूम देखिएगा 13 करोड़ 48,25,915, ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे देखिए। तो और फेस वैल्यू टो की है और एक साल का जो रिटर्न है 51% के नेगेटिव में है, सिक्स मंथ में 5.59% के नेगेटिव में। पी रेशियो 12.99 का, ईपीएस है 18.28 रुपये और प्राइस टू बुक है 1.54 का, डिलीवरेबल है 15.14% की, डिविडेंड यील्ड 1.12% की, इन्होंने 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया मैनेजमेंट ने। और आज जब ये ओपन हुआ था 166 हाई डे का था 213 और 170 पे अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो फ्रेंड्स मैं ये एक बेसिक जानकारी आपको बताना चाह रहा था कि यस बैंक में अभी हमें क्या करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट इसने लो बनाया था 147 के आसपास, तो कहीं इतनी बिकवाली में वहीं टच ना कर जाए। तो ऐसे में जो नए निवेशक हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो थोड़ा सावधानी बरतें, मोमेंट की चाल को समझें, मार्केट की चाल को समझें, क्योंकि सेंसेक्स भी आज थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और देखिए यहाँ पे रिटर्न में हम आ गए, तो रिटर्न में देख सकते हैं कि 10 सालों में तो चलो 1000% की रिटर्न है, ज़बरदस्त है, लेकिन 5 सालों में 93 ये भी कह सकते हैं ओके, क्योंकि 30% पर ईयर के हिसाब से भी चलते हैं तो भी कम है। और 4 ईयर में भी देखिए 1.54 के आसपास रिटर्न है, जो कि बहुत ही कम है। और 3 सालों से लगातार यहाँ पे नेगेटिव में है, जब भी पैसा इसमें लगा है किसी का तो उसके पैसे को रिटर्न नहीं मिला है, कम ही हुआ है। और तो फ्रेंड्स बस यही फटाफट छोटे से वीडियो में न्यूज़ देना चाह रहा था कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर और इसको देखते हैं कि कहाँ जाके रुकता है, समझदारी का परिचय हम वही दे सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे कि अभी फिर से मैं वही एक बात रिपीट करना चाहूँगा कि हमेशा कभी पूरा पैसा एक स्टॉक में ना डालें। और आने वाले समय में रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं सेंट्रल जो गवर्नमेंट के, तो 23 मई के बाद एक स्थिर सरकार की उम्मीद की जा रही है। और उसके पहले जो सिचुएशन है, अभी तो कुछ जगहों के इलेक्शन अभी बाकी हैं, तब तक ये मार्केट में जो ज़बरदस्त रैली आने वाली है, थोड़ा सा नीचे ऊपर वो चलता ही रहेगा जब तक एक स्थायी गवर्नमेंट नहीं मिल जाती। और तो इस पर आप चाहें तो फ्रेश बाइंग तभी करें जब थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, कितने बॉटम तक जाता है हम नज़र बनाए रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने यही जानकारी देनी थी आपको, फटाफट मैंने दे दिया। जल्द मिलते हैं कोई नए अपडेट में, इस पर नज़र बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।